नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो भाई आज मौसम हो रहा है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, और मैंने सोचा आज बात कर लेते हैं भाई टाटा कर्व के बारे में कि टाटा कर्व किसे खरीदनी चाहिए, किसको नहीं खरीदनी चाहिए। मैं चश्मा क्यों लगा रखा है यार, मौसम तो बहुत सही हो रहा है। एक्चुअली मैंने कुछ रिसेंट ना वीडियोज देखे हैं टाटा कर्व के, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दोस्तों कि टाटा को ना कुछ लोग बदनाम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक होता है कि रिव्यू करना और उसके लॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस करना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यार कि लो मारुति आ गया, बोले भी नाम ही लेने वाला था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कोई भी ब्रांड हो यार, चाहे मारुति हो, हुंडई हो, भाई होंडा हो, कुछ ना कुछ कमियां ना कार्स में सब में आ जाती हैं। अब मुझे ये भी पता है कि टाटा में जो कमियां आ रही है ना, वो कोई मेजर कमियां नहीं आ रही जिसकी लोग वीडियो बना रहे हैं। कई ओनरशिप रिव्यू फ्लोट हो रहे हैं ईवीस के, या फिर आपके जो आईसी वेरिएंट के भी रिव्यूज आ रहे हैं आजकल ओनरशिप के। अब एक तो ना लोगों ने थोड़ा सा ना ट्रेंड भी बना लिया है कि छोटी छोटी बात को लेके बहुत बड़ा बना देने का। सो, कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि टाटा कर्व लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है। देखो हाँ भाई, तू चला जा पहले 3XO वाले, इसको ज्यादा जल्दी हो रही है। कोई बात नहीं भाई, बारिश हो रही है, हम तो धीरे चलाएंगे, मैं वीडियो भी बनानी है भाई। बात तो सही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि फॉर एग्जाम्पल टाटा देखो काम वो कर रहे हैं जो अभी बाकी ब्रांड्स नहीं कर रहे हैं। वो आपको सेफ्टी के साथ नई चीज देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई भी प्लेयर कूप एसयूवी में नहीं उतरा है। भाई ये बंदा पागल लग रहा है, वहां पे लेफ्ट टर्न लेके अब यहाँ से जा रहा है 3XO वाला। क्या हो गया भाई, दिन में पी ली क्या? अभी यहाँ से आके यूं गया था, अब यूं हो गया वहां पे। चलो यार छोड़ो, टाटा बेसिकली डूइंग अ लॉट ऑफ यू नो एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंडिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, डूइंग इनोवेशंस। तो यार मुझे ऐसा लगता है इन चीजों में ना एक आध तो इक्का दुक्का ऐसी चीज हो जाएगी कि जहां पर इशू आ जाए। तो मुझे लगता है अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो इतना कोऑपरेट करने के लिए तैयार है ना, तो डेफिनेटली आप टाटा कर्व ले सकते हो। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा बिल्कुल सही कंपनी है, टाटा में दिक्कतें नहीं है, टाटा में डेफिनेटली दिक्कतें हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि टाटा लेनी ही बंद कर देंगे। आप मुझे एक बात बताओ, इतनी नेक्सॉन बिकी दुनिया भर की, इतनी टाटा पंच बिकी दुनिया भर की भाई, ठीक है, इतने टाइम से थोड़ा इसे चलाना पड़ेगा यार, गर्मी लग रही है। इतने टाइम से अगर आप इनका नंबर्स देखते हो, सेल्स देखो, ग्राफ देखो, इतनी बेकार कार्स थोड़ी थी कि खरीदने लायक ही नहीं है। पर कुछ यूट्यूबर्स ऐसी इमेज बना रहे हैं बिल्कुल लिटरली टाटा की कि भाई लो ही मत। ऐसा नहीं होता यार, देखो दिक्कत आ जाती है, और मतलब अगर हजारों कार बिकती है तो एक दो कार में डेफिनेटली इश्यूज आ जाते हैं। पर टाटा की थोड़ी किस्मत खराब मुझे पता है क्या लग रही है, जैसे लेट्स अज्यूम कि उन्होंने अपनी 50 कार बेची, तो हर ब्रांड की 50 में से एक दो कार में इशू आ सकता है। पर इनके साथ क्या हो रहा है ना, वो जिस कार में इशू आ रहा है ना, वो इशू ऑफ सीरीज आ रही है, समझ रहे हो? कि फॉर एग्जांपल कोई होंडा मारुति की कार ली किसी ने, उनको एक दो प्रॉब्लम आई तो वो ठीक हो गई, बात खत्म हो गई। पर इनमें क्या है ना, जिस कार में दिक्कत है तो उसमें काफी दिक्कत है फिर, या तो मतलब वो कार फिर बिल्कुल ही उसकी मट्टी पली सी निकल जा रही है। लाइक इंजन को लेके नहीं, पर कई सारी चीजें कि भाई एसी के बटन्स नहीं काम कर रहे, टच कंट्रोल नहीं हो रहा है, ओआरएम नहीं खुल रहे, फलना नहीं हो रहा, ढिमका नहीं हो रहा, किसी के फॉग जम जा रहे हैं। ये आजकल तीन इश्यूज में काफी सुन रहा हूँ जो लोग टाटा की कंप्लेंट कर रहे हैं कि कार जब काफी चला लो 100-150 किलोमीटर तो इंजन जो है पावर छोड़ देता है, तो रिस्टार्ट करनी पड़ती है कार। दूसरा कि ये जो लाइट है, लाइट जो टर्न इंडिकेटर है फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड पे, ड्राइवर साइड पे, वो काम नहीं करता ढंग से। और तीसरा जो इनके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे जो टच के वो है ना बटन्स या फिर ऑप्शंस, वो जल्दी काम करना बंद कर देते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मली जितना उनको चलना चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं जो अब काफी हैं। अब यार देखो इनोवेशन इन लोगों ने करी है, अब बाकी कोई ब्रांड ऐसे ऑप्शंस आपको नहीं दे रहा है। देखो आपके अंदर भी एज अ कस्टमर ना थोड़ी सहनशीलता जरूरी है। अगर आपको सेफेस्ट कार चाहिए, आपको टाटा वो वाली बात आ जाती है कि आप अपनी कंट्री की कार लेना चाहते हो, आप अपने देश में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी जो मेंटेलिटी है कुछ इस तरीके की है कि नहीं भाई मैं नहीं लूंगा, मैं अपने देश की गाड़ी ही लूंगा, तो यार थोड़ा अगर आप कोऑपरेट भी कर लो तो बढ़िया है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। स्पेशली अगर आप जो भी भाई कर प्लान कर रहा है डीजल या GDI, उनको तो ज्यादा सोचने की मुझे लगता है नीड ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो इंजन भी बिल्कुल फैबुलस है, डीजल 4 सिलेंडर है, और जो GDI है वो अपने आप में भाई काफी पावरफुल और बेटर इंजन है। थोड़ा बहुत जो सोचने की जरूरत पड़ रही है वो वहां पड़ रही है कि यार हम जो कर्व ले रहे हैं जिसमें रेवोट्रॉन इंजन है टाटा नेक्सॉन का, शुड वी गो फॉर इट और नो? यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा। देखो अगर आप बहुत सीरियस मनी से कार खरीद रहे हो ना, काफी टाइम पैसा जोड़ा था आपने, तो मैं समझदारी नहीं मानता कि नेक्सॉन छोड़कर आप कर ले लो जस्ट बिकॉज वो न्यू लुक लेकर आ गई है। आप अपना अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि आप इजीली अपना बजट बढ़ा रहे हो, जो लोन वगैरह पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है,
आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, आपकी अर्निंग वगैरह अच्छी है, तो ठीक है भाई, आपकी चॉइस है। पर यार इतना ज्यादा मैटर नहीं करता मुझे लगता। देखो कार का फ्रंट फेशिया भी काफी सिमिलर ही है, बस रियर उसका कूपे स्टाइल है। अदरवाइज अगर मतलब बिल्ड क्वालिटी से लेके सस्पेंशन, कार की ग्राउंड क्लियरेंस, इंजन, ब्रेकिंग, एवरीथिंग इज सेम मेरे भाई, एवरीथिंग इज सेम। ऐसा मत समझना कि कर्व है तो कोई नया जहाज सा है। जहाज है पर वो जीडीआई वाला है, नॉट द रेवोट्रॉन जो सेम ही आपको मिलता है। तो ये थोड़ा सा देखना है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या यार कर्व छोड़ दूं, क्या कर्व वाकई में बेकार कार है। भाई कोई बेकार कार नहीं है, क्यों बेकार कार है? देखो बेकार कार तब होती है जब वो रोड पे खड़ी हो गई, ठप हो गई बिल्कुल, और बिल्कुल सर्विस सेंटर ने हाथ ही खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, वो होता है बेकार ब्रांड और बेकार कार। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो सारी कार में इश्यूज नहीं आते, दूसरी बात जिसमें आ रहे हैं भगवान ना करे आपकी वही कार हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि जिसमें आते हैं उसमें फिर काफी सारे आ जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कुछ लोगों ने टाटा का पॉजिटिव फीडबैक भी दिया है अब, कि कस्टमर सर्विस वाले आजकल क्या कर रहे हैं, रिपेयर ना करके ना सीधे पार्ट्स को ही रिप्लेस करना शुरू कर रहे हैं। आई थिंक जो वीडियोस निकल कर आती हैं, लोग अपने रिव्यूज देते हैं, तो यार टाटा भी कुछ समझदार कंपनी है, दे आर नॉट फूल्स, कि भाई हर बंदा चाहता है कि बेटर कस्टमर सर्विस ऑफर करी जाए। मुझे लगता है कोई ना कोई टीम उनकी वीडियोस देखती होगी कि भाई क्या माइंड में चल रहा है कंज्यूमर के, क्या यूट्यूबर्स बना रहे हैं, तो सबके मिलके जो फीडबैक जाते हैं उससे कहीं ना कहीं असर डेफिनेटली पड़ता है। मैंने इससे पहले एक बार ब्रेजा की वीडियो बनाई थी, मुझे भी याद है, जिसमें मैंने कहा था ब्रेजा खरीदनी बंद कर दो, ठीक है। अब कई लोग कह रहे थे भाई तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा खुद ब्रेजा है, तुम पल्ली ढिमकी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? अब देखो अर्बेनो आया ना निकल के, क्यों आया भाई? चाहे मैं कह रहा हूं मेरी वीडियो बनाने से नहीं आया, पर कोई ना कोई डेफिनेटली देख रहा होता है जो स्ट्रेटेजी को प्लान करता है। अब 3XO ने रेट गिराए, उसके बाद नेक्सन ने भी गिराए, ब्रेजा कुछ नहीं कर पाई, तो भाई वो अर्बेनो पैक ले आई। अर्बेनो पैक ऐसा आ गया कि भाई कार टॉप सेलर बन गई, बताओ। मतलब यहां पर एग्जांपल उल्टा हो गया, इन द सर्च ऑफ गोल्ड वी फाउंड अ डायमंड, लॉस्ट नहीं। अब ब्रेजा का जिक्र मैंने क्यों करा है, देखो ब्रेजा का जिक्र करने का कारण है, अगर आपको याद होगा ब्रेजा जब टॉप सेलर बनी उससे कुछ महीनों पहले तक ना टाटा नेक्सॉन टॉप सेलर चल रही थी। हालांकि कुछ टाइम से टाटा नेक्सॉन की सेल्स डाउन हुई, उसके दो तीन ही रीजन मुझे समझ में आते हैं। एक तो कर्व का आना, कुछ लोग कर्व का भी वेट कर रहे थे, कुछ लोग नेक्सॉन सीएनजी का वेट कर रहे हैं, और कुछ अभी कंफ्यूज है जिनको लगता है कि भाई मुझे इतनी बड़ी कार नहीं चाहिए, वो सोच रहे हैं कि एक बार पंच फेसलिफ्ट और देख लूं तो मैं अपनी कार फाइनल कर लूंगा। और जो लास्ट रीजन है वो भाई कि कुछ लोग चाह रहे थे कि दिवाली के आसपास हम कार लेंगे, बाकी भाई अगले एक दो महीने में ही पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अगर अगले एक दो महीने में भी टाटा नेक्सॉन की सेल नहीं बढ़ रही, सीएनजी वगैरह आने के बाद भी, दिवाली जाने के बाद भी, तो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लमैटिक है कि जो एक बबल बनाया था टाटा ने अपनी कार की सेफ्टी वाला, वो फिर कहीं ना कहीं फट गया है, तो वहां पर फिर थोड़ा इशू है। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या टाटा कब बेकार कार है? बिल्कुल बेकार कार नहीं है भाई, इशू सरकार में आ जाते हैं, कभी कभी नेक्सॉन में आ सकते हैं, कर्व में आ सकते हैं आपके अगर आप खरीदते हो तो, पर कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है कि आपका जो पैसा है बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी हो गया। कुछ देखो यहाँ पे कॉन्स जरूर हैं, पर वो मैं इस वीडियो में नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यार कॉन्स वो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उसके लिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हम ऐसी वीडियोज डालते रहते हैं, बहुत गहरी बातें करते रहते हैं। बाकी आज अल्कज़ार फेसलिफ्ट की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, नहीं डालूंगा, आज ही डल जाएगी या कल, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वो भी चेकआउट कर लेना। परसों क्रेटा की डालेंगे फेसलिफ्ट के बेस मॉडल की। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।